अब आते हैं सोइल पॉल्यूशन की तरफ। सोइल पॉल्यूशन किस वजह से होता है? मिट्टी उसका उपजाऊपन खत्म हो गया है, बस हम लोग बस काट रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे खा रहे हैं। अरे मिट्टी के अंदर दम ही नहीं बचा, वो पैदा कहां से करके देगी? इसलिए तो ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। बस अब क्या बचता है कि मिट्टी तो पैदा करके दे नहीं रही है, जीव जंतु को काट के खाओ। और कई देश तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, राम भरोसे क्या क्या खा जाते हैं, हे भगवान। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई देशों में तो कुत्ते बिल्ली भी काट काट के खा जाते हैं। ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, उनको थोड़ी बहुत भी फील नहीं होती। मैं नॉनवेज के नाम पे मेरे को उल्टी आती है। और कई लोग नॉनवेज खाते हैं, और कई देशों में तो हालात ये हैं कि वो नॉनवेज मतलब कुत्ते बिल्ली काट के खा जाते हैं, उनको शर्म ही नहीं आती। स्नेक सांपों की खेती होती है, उसको सांप को काट काट के खा जाते हैं। बाप रे कैसे खाते हैं, मतलब उल्टी आ जाए आदमी को। तो उसका कारण क्या है, इंसान इतना क्यों गिर गया? क्योंकि सोइल बेसिकली पॉल्यूट हो चुकी है, हमारी मिट्टी में इतना दम ही नहीं रहा। उसका कारण क्या है, मिट्टी में इतना दम क्यों नहीं रहा? मिट्टी में इतना दम इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमको खराब कर दिया उन लोगों ने जिनको सिर्फ पैसा चाहिए था। उन्होंने पेस्टिसाइड बना बना के, DDT जिसका नाम है, बना बना के बेचा कि आपकी खेतों में फसलें लहराएंगी। पहले पुराने जमाने में हमारे यहां के किसान जो है किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे, और इन लोगों ने सिर्फ अपने पैसों, आज DDT बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में शायद अभी बिकता होगा, भी शायद DDT यहां पर भी बैन हो गया होगा, लेकिन यहां इस DDT की वजह से, इसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो भी पॉल्यूट हो चुकी है, वो उसमें भी उपजाऊपन खत्म हो गया है। हार्बिसाइड और पेस्टिसाइड उसके वन ऑफ द रीजन है, और हार्बिसाइड सोडियम क्लोरेट, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमारी मिट्टी भी उपजाऊपन खत्म हो चुका है, उसको पॉल्यूट हो चुकी है। NaCl3 नाम फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद है सोडियम आर्सेनाइड, Na3SO3, ये रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है उसका, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया। कहां से सब्जियां पैदा होंगी, कहां से पेड़ पौधे पैदा होंगे, उनका उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। उसका रीजन है इंसान की लालच। जिसने DDT बनाया था उसने खूब पैसा कमाया, बाद में पता लगा DDT की वजह से उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। पुराने जमाने में हमारे किसान खाद के तौर पे गोबर को इस्तेमाल करते थे और उससे उपजाऊपन बढ़ता था। गाय के गोबर को इस्तेमाल खाद के तौर पे किया जाता था। बाद में आए भाई साहब मॉडर्न जमाना करके मिट्टी का उपजाऊपन खत्म कर दिया DDT को यूज कर करके। उसको पेस्टिसाइड कहते हैं और ये हर्बिसाइड कहते हैं, उससे सारा उपजाऊपन खत्म हो गया और इसी वजह से सोइल जो है वो पॉल्यूट हो चुकी है। इसके अलावा और भी कोज है, हैवी मेटल, जो बैटरियां होती हैं, बैटरियां खराब हो जाती हैं, उसको मिट्टी में फेंक देते हैं। आपको पता होगा कोई रिसाइकलिंग नहीं होती उसकी, आपने भी किया होगा पक्का। आपने जो घड़ी में सेल निकलते हैं, घर पे वेस्ट पड़े हैं, उसको उठाया होगा, मिट्टी में पटका होगा, पक्का पटका होगा। आपको पता है जो हैवी मेटल होते हैं वो सोइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। हमको नहीं समझ में आती है लेकिन ये बात सच है। इसलिए तो कहता हूं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत पढ़ने की जरूरत है, हमें अकल मिले कि हमें क्या करना है हमारी धरती के साथ, हमारी अर्थ के साथ। जहां हम रहते हैं वहीं पे छेद करे जा रहे हैं, इसको छेद करना ही तो बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, हैवी मेटल, इसकी वजह से यहां पर सोइल का पोल्यूशन हो रहा है, और ये सोइल पोल्यूशन की वजह से ही सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज इंसान जो है वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन होते जा रहा है, पहले नहीं था इतना, आजकल नॉन वेजिटेरियन ये जो है ना ये चीज बढ़ते जा रही है। ये तो पहले इंसान ऐसा नहीं था, ठीक है नॉनवेज में प्रोटीन होते हैं, लेकिन नॉनवेज ऐसे थोड़ी कि किसी को भी काट के खाने लगोगे, वो गलत है ना, एक लिमिट होती है, समझ में आता है? तो वो हमें समझने की जरूरत है। कई लोग तो वेजिटेरियन होते हैं, कई वेजिटेरियन भी नहीं होते, ठीक है, तो वो मतलब वो ऐसा समझते हैं कि इन पेड़ पौधों सब्जियों में भी जीव है, मतलब वो भी लिविंग बींग्स हैं, उनको भी नहीं खाते, तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी, किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। मेन बात यह है कि हमने समस्याएं देख ली, अलग अलग तरह के पॉल्यूशन देख लिया, अब कंट्रोल कैसे करोगे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल कैसे करें यार, वो भी बहुत मेन चीज है, किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ऐसा है, आपके घर में किसी भी तरह का कोई वेस्ट हो, प्लीज आप उसे किस में डालो, कूड़ेदान में, बाहर मत फेंको, ऑर्गेनिक वेस्ट है। और यहां पर अच्छी बात है कि गवर्नमेंट थोड़ी सख्ती करती है, यहां पर आप लोगों को गीला वेस्ट और सूखा वेस्ट अलग अलग जगह पे डालना होता है, लेकिन बड़ी सिटीज में है ऐसा, छोटी सिटीज का मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पर अगर आपको कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लीज आप उसे कूड़ेदान में डालें, पेपर वेपर कूड़ेदान में डालें,
ई वेस्ट है कूड़ेदान में डालें, ऐसे मत फेंक दें। प्लास्टिक प्लीज उसको तो बैन ही कर दो, ग्लास कूड़ेदान में डालो, मेटल वेटल प्लीज आप कूड़ेदान में डालो, जो मिक्स्ड वेस्ट है उसको भी अलग अलग करके कूड़ेदान में डालो। कूड़ेदान, मिट्टी कूड़ेदान नहीं है, पानी कूड़ेदान नहीं है, समंदर नदी कूड़ेदान नहीं है, उसमें आप डाले जा रहे हो, कंट्रोल करो। और सिर्फ कूड़ेदान में डालने से तो कुछ नहीं होगा, वो तो कूड़ा इकट्ठा होता रहेगा। आज ये हालात हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं, आपको पता है कि अमेरिका में, यूएस में, अगर आप बिलीव, पता नहीं आप बिलीव करोगे कि नहीं, वहां पे प्लास्टिक की बारिश हुई है बहुत बार। प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक भर दिया हमने एनवायरमेंट के अंदर, प्लास्टिक की बारिश हो रही है बहुत बार, होती है वहां पे प्लास्टिक की बारिश, इतना प्लास्टिक भरा जा चुका है आप नदी में, नालों में, समंदर में। एक एक और आपको बताता हूं, समंदर में एक बार है ना किसी ने डीप डाइव लगाई, 10,000 किलोमीटर पे प्लास्टिक मिला, प्लास्टिक का बैग मिला। बहुत बार गायें, बहुत बार बहुत सारे जीव प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं, प्लास्टिक उन्होंने खा लिया, वो पचा नहीं, प्लास्टिक पचता भी नहीं है, वो मर जाते हैं। हम लोग इतनी भयंकर तरीके से प्लास्टिक से घिरे हुए हैं और फिर भी इंसान इतना निकम्मा है कि छोड़ने का नाम नहीं है उसका। लेकिन सिर्फ कूड़ेदान भरने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसको रिसाइकिल और रीयूज भी करना पड़ेगा और रिड्यूस भी करना पड़ेगा। बिना रिसाइकिलिंग के काम नहीं होगा, ऐसी चीज बनाओ ही मत जिसको रिसाइकिल, जो रिसाइकिल ना होती हो, जो रिसाइकिल होती हो चीजें वही बनाओ। और हमें साइंस को उसके लिए हेल्प करना पड़ेगा, साइंस को ऐसे माइंड चाहिए जो कि रिसाइकेबल रिसाइकेबल चीजें बनाते हो, रीयूजेबल चीजें बनाते हो, अदरवाइज हमारा एनवायरमेंट अंदर से खोखला होते जाएगा और एक दिन ह्यूमन बींग खत्म हो जाएगा। रिसाइकिलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं, रिसाइकिल, ये प्लास्टिक रिसाइकेबल नहीं होता, लेकिन रिसाइकेबल चीजें बनाओ, ऐसी चीजें जो कि जैसे जूट के बैग हो गए, आप प्लास्टिक की जगह जूट के बैग यूज कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, मे बेसिकली बात यह है, बायोडिग्रेडेबल, अपने आप में से खत्म होने वाली चीजें जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी चीजों को इस्तेमाल करो। और अगर कोई ऐसी चीजें जो ऐसी बायोडिग्रेडेबल नहीं, वो रिसाइकिलेबल और रीयूजेबल होनी चाहिए, तब जाके हम लोग बचेंगे।